हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा 16 ट्यूटोरियल है एंगुलर 4 का, जिसमें हम लोग बात करेंगे सर्विसेज की। देखिए, इस जो हमारी ऐप है, इसमें दो सर्विसेज हमें चाहिए होंगी। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो एडिशनल कंपोनेंट बनाएंगे, दो एडिशनल क्लासेस बनाएंगे और फिर हम सर्विसेज को क्रिएट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ। जो मैंने कंपोनेंट बनाए थे इससे पहले, करेक्टर लिस्ट और मूवी लिस्ट, वो मैंने एक कंपोनेंट फोल्डर के अंदर रख दिए हैं। कंपोनेंट फोल्डर्स इसके अंदर, अब जो जितने भी आगे फ्यूचर में हम कंपोनेंट बनाएंगे वो इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर बनाएंगे। इसी तरीके से हम लोग सर्विसेज के लिए फोल्डर बनाएंगे और क्लासेस के लिए भी फोल्डर बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ जाते ले जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट में मैं, देखिए आप एन जी ऐप के अंदर, सोर्स के अंदर, ऐप्स के अंदर कंपोनेंट्स में हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले क्या करना है, दो कंपोनेंट बनाने हैं। तो सबसे पहले लिखूँगा एन जी जी और फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा कंपोनेंट। एक कंपोनेंट बनाता हूँ जिसका नेम होगा मूवी। इसी तरीके से मैं एक और कंपोनेंट बनाऊँगा करेक्टर नेम से। दो कंपोनेंट हमें चाहिए होंगे, वो हमें क्यों चाहिए होंगे वो भी आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा। जो हमारे एक कंपोनेंट बन गया मूवी नेम से, और फिर से हम ये लोग क्या करेंगे, एक और कंपोनेंट बना देते हैं और उस कंपोनेंट का नाम क्या होगा, करेक्टर। करेक्टर नेम से कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर आपके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, मूवी और करेक्टर। अब मैं कुछ क्लासेस बनानी होंगी। चार तरह के हम क्लासेस बनाएंगे, मूवी क्लास, करेक्टर क्लास, डाटा मूवी और डाटा करेक्टर्स। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर करेक्टर्स कंपोनेंट से बाहर आ जाता हूँ। तो उसके लिए सी डी डॉट डॉट में आ गया ऐप के, ऐप में मैं क्या करूँगा, अब ऐप में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एम के टी आई आर एक डायरेक्ट्री बनाता हूँ जिसका नेम रखूँगा मैं क्लासेस। इस तरीके से मैंने एक डायरेक्ट्री बना दी। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर चले जाता हूँ, क्लासेस में चले गया मैं, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक क्लास बनाएंगे एन जी जी क्लास, और इस क्लास का नेम क्या देता हूँ मैं, मूवी। मूवी इस क्लास का नेम। अब क्लास बन जाएगी हमारी। इसके बाद हम एक और क्लास बनाएंगे करेक्टर नेम से। देखिए, जो मूवी वाली क्लास होगी इसमें हम ये बताएंगे कि जो हमारा डाटा आ रहा है वो किस टाइप का है, क्या कहते हैं, उसमें अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, जैसे कि क्या कहते हैं, हीरो के नेम, मूवी का नेम, या मूवी किस टाइप के, किस जॉनर की है, तो उसका स्ट्रिंग टाइप की होगी या फिर नंबर्स टाइप की, तो वो हम बताएंगे मूवी क्लास में। उसी तरह से हम लोग बनाएंगे करेक्टर नेम की क्लास। तो यहाँ पर लिखते हैं करेक्टर। ये भी इस क्लास में हम लोग कैरेक्टर्स का स्पेसिफिकेशन करेंगे कि वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, कैरेक्टर का नेम, एक्टर का नेम किस टाइप का है, और उसकी एज नंबर्स टाइप की है। तो उस टाइप से अब हम एक और आपकी क्लासेस बनाएंगे जो कि क्या करेगा, हमारा डाटा होल्ड करेगा। तो डाटा मूवी, मूवी के डाटा के लिए एक मैंने एक क्लास बना दी मूवीज़ डाटा, जिसके अंदर हम मूवीज़ का डाटा रखेंगे। इसी तरीके से हम लोग करेक्टर का के लिए एक और क्लास बनाएंगे जिसमें हम करेक्टर का डाटा रखेंगे। तो उसके लिए फिर से एन जी जी डाटा के साथ लिख दीजिए करेक्टर्स। हमने एक करेक्टर्स बना दिया, तो ये भी हमारी एक क्लास बन जाएगी। अब देखिए, हमने बना दिए, अब हमें चाहिए सर्विसेज, क्योंकि सर्विस चाहिए होंगे हमें डाटा लेने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं सर्विसेज के लिए जाऊंगा। सबसे पहले सी डी डॉट डॉट चले जाते हैं ऐप में, और सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पर एम के डी आई आर, सर्विस भी क्रिएट करनी है तो उसके लिए लिखूँगा, एक बनाता हूँ एक सर्विस नेम का फोल्डर जिसके अंदर हमारी सर्विसेज होंगी। अब सर्विस में चले जाते हैं, सी डी सर्विस, ऐसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए, सर्विस बनाने के लिए फिर से वही एन जी जी, उसके बाद लिखेंगे हम सर्विस, और एक सर्विस होगी हमारी मूवीज नेम से। मूवीज नेम से सर्विस बनाएंगे, हमारी सर्विस बन चुकी है। सेकंड हम लोग क्या करेंगे, एक करेक्टर नेम से सर्विस बनाएंगे। करेक्टर्स नेम से हमने एक सर्विस बना दी। तो कुछ फोल्डर्स बने हुए आएंगे हमारे अभी ऐप में, और कुछ सर्विसेज और कुछ क्लासेस और कुछ कंपोनेंट्स बने हुए आएंगे। अब देखिए, यहाँ अगर हम जाएँ तो हमारा ऐप्स के अंदर हमें क्लासेस मिल रही है। क्लासेस के अंदर हमें करेक्टर डॉट टी एस, करेक्टर डाटा, करेक्टर्स डाटा, जो चार हमने क्लासेस बनाई थी, उसके बाद हमें यहाँ पर मिला एक सर्विस। सर्विस के अंदर हमें क्रिएटर सर्विस और मूवी सर्विस डॉट टी एस डॉट टी एस, इन दो फाइल में हम काम करेंगे। कंपोनेंट्स को भी हटा देते हैं, छुपा देते हैं। अब हम बात करते हैं करेक्टर, सॉरी क्लासेस की। क्लासेस में सबसे पहले आते हैं डाटा मूवीज डॉट टी एस फाइल में, हमें ये चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड है उसे हम लोग सबसे पहले हटा देंगे।
यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे इम्पोर्ट करली ब्रेसेस, यहाँ पर लिखता हूँ मैं मूवी फ्रॉम सिंगल कोटेशन डॉट स्लैश मूवी, मूवी को इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट करेंगे, डाटा को भेजना भी है बाहर। एक कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट, और यहाँ पर मैं देता हूँ इसे नेम, कैपिटल में दिया मैंने मूवीज़, और ये क्या होगा हमारा एक मूवी टाइप का एरे होगा जिसमें हम लोग अपने डाटा को रखेंगे। सेमी कोलन लगा लेंगे, इसे कर लेते हैं नीचे, और डाटा मेरे को पहले से रखा है तो मैं सीधे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो देखिए मूवीज़ के लिए हमारे पास डाटा है, हमने इसे किया यहाँ से कॉपी, और इसमें इधर हम इसे इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। इसमें हमारा बहुत सारा डाटा है, टाइटल्स, आईडी, ये हमारे आपको गिटहब अकाउंट से मिल जाएगा। इसमें आपको गिटहब अकाउंट को दे दूंगा मैं, जो हमारी जेसन फाइल है इसे दे दूंगा, इसे सेव कर लेंगे। इसी तरह से हम लोग करेक्टर में भी डाटा वोडा डालेंगे, तो डाटा करेक्टर्स में आ जाते हैं, और इसमें भी हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा, पहले से रखा कोड हटा देंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इम्पोर्ट, और यहाँ लिखता हूँ करेक्टर, फ्रॉम सिंगल कोटेशन डॉट स्लैश करेक्टर सेमी कोलन, और यहाँ पर भी इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट कांस्टेंट लेते हैं एक, और इसे भी जैसे मूवीज़ में हमने कैपिटल में नेम दिया था, इसे भी मैं एक कैपिटल में इस तरीके से नेम दे दे रहा हूँ, करेक्टर, करेक्टर एरे इज इक्वल टू एरे का साइन, यहाँ पर फिर से लगा लीजिए सेमी कोलन पहले, उसके बाद डाटा रखिएगा, क्योंकि अगर सेमी कोलन नहीं लगाएंगे लास्ट में तो फिर दिक्कत भी आ सकती है। यहाँ पर से हमारा डाटा रखा है, इसे पूरा कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर से पूरा पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से, और इसे यहाँ पर से सही कर लेते हैं पहले तो। और इसे सेव कर लीजिए, देखिए हमने डाटा हमने इसमें दे दिया है। अब हम आएंगे सबसे पहले तो मूवी डॉट टी एस में, किस टाइप का डाटा है ये बताना पड़ेगा हमें। तो एक्सपोर्ट क्लास मूवी, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कुछ डाटा दे देते हैं, किस टाइप का होगा ये बताएंगे। सबसे पहले तो हम लिखते हैं टाइटल, टाइटल है हमारा स्ट्रिंग टाइप का, यहाँ लिखा मैंने स्ट्रिंग। सेकेंड आ जाता है हमारा एपिसोड, एपिसोड अंडर स्कोर आई डी कोलन नंबर, ये नंबर टाइप का होगा, और यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग अंडरस्कोर, ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, और यहाँ पर डायरेक्टर, इनका नेम भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, प्रोड्यूसर और लास्ट माया रिलीज डेट। जिस तरह का आप डाटा ले रहे हैं वहाँ पर रिलीज डेट इस तरह से लिखा होगा, तो इस तरह से लिख रहे हैं, और टाइटल लिखा होगा अगर आपको इसमें आईडी या फिर डायरेक्टर्स लिखा हुआ है या फिर प्रोड्यूसर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप उस तरह से डाटा को चेंज कर सकते हैं, और जिस तरह का उसमें डाटा पास होगा उस तरह से उसका डाटा टाइप आप बता सकते हैं। हमारे इसमें ज़्यादातर स्ट्रिंग और नंबर्स हैं, तो स्ट्रिंग और नंबर्स हम यहाँ पर बता रहे हैं मूवीज़ के लिए। उसी तरह से हम करेक्टर डॉट टी एस में चले जाएंगे, उसी तरह से करेक्टर डॉट टी एस में भी बताना है, इसमें कुछ डाटा ज़्यादा है, मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाएंगे। तो कुछ नेम्स हमें लिखने हैं, सबसे पहले तो नेम लिखेंगे, नेम का टाइप होगा हमारा स्ट्रिंग, क्योंकि करेक्टर्स के नेम होंगे तो स्ट्रिंग आएगा, नेम आ गया। फिर उनकी हाइट, ये भी इसकी स्ट्रिंग टाइप की होगी। जिस तरह का आपका डाटा होगा उस तरह से आप वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पर मास भी लिखा हुआ है, ये भी स्ट्रिंग टाइप में दिया हुआ है, और हेयर कलर, ये भी स्ट्रिंग टाइप में दिया हुआ है, तो हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग। स्किन कलर, स्ट्रिंग। आई कलर, ये यहाँ पर हमने स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत लिख दी, और लास्ट में आया आपका बर्थ ईयर,
ये भी स्ट्रिंग टाइप का है, और जेंडर ये भी ने स्ट्रिंग टाइप का दिया है, इसे हम कर लेंगे सेव। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इसे बाइंड करेंगे, इस डाटा को फैच करेंगे और अपने आउटपुट में शो करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और आप सपोर्ट भी कर सकते हैं पेटीएम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।